सख्त हिंदी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, कुवैत से एक बुरी खबर आ रही है। खबर यह है कि वहां से 8 लाख भारतीयों को वापस जाना पड़ सकता है, क्योंकि वहां एक ऐसा बिल आ रहा है जिसमें कुवैत में रहने वाले जो विदेशी हैं, दूसरे देश से आकर वहां रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनकी तादाद कम की जा रही है और उसमें खासतौर पर भारतीयों पर ज्यादा असर पड़ेगा। जो जितने भारतीय अभी रहते हैं उनमें से केवल 15% ही रह पाएंगे, यानी अगर करीब 10.5 लाख भारतीय वहां रह रहे हैं तो अब संभावना यह है कि 8 लाख को वापस आना पड़ेगा। 8 लाख वापस आएंगे, उसमें से करीब 6 लाख तो वहां काम कर रहे थे, बाकी उनके घर परिवार वाले होंगे। तो ऐसे समय में जब हिंदुस्तान पहले से ही बेरोजगारी के घनघोर संकट से गुजर रहा है, कोरोना संकट शुरू होने के पहले ही 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमारे देश में फैल चुकी थी और कोरोना के आने के बाद तो वो सारी हदें पार कर गई है, तो ये एक अच्छी खबर नहीं कही जा सकती। और उनके लिए भी जिन्हें वहां से अपने रोजगार छोड़कर आना पड़ेगा वो भी परेशान होंगे। और दूसरा इसका मतलब ये भी निकलता है कि इसका असर पूरे खाड़ी के देशों में भी पड़ सकता है, दूसरे देश भी इस तरह के उपाय कर सकते हैं। उनके अपने संकट, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ यशवंत देशमुख हैं, आप इनको चुनाव विश्लेषक के तौर पर जानते हैं, हिंदुस्तान लगातार काम करते ही रहे हैं, दुनिया भर में काम करते हैं। इस समय पिछले 10 सालों से एक पैर उनका दुबई पर जमा हुआ है, एक हिंदुस्तान में है, एक दुबई पर है और बाकी भ्रमण तो चलता ही रहता है। तो चूंकि वो दुबई में है और वहां के हालात को पर काफी करीबी नजर रखते हैं, इसलिए हमने सोचा इस मुद्दे पर उनसे बातचीत की जाए। तो यशवंत जी, ये बताइए कि ये जो कदम उठा रहा है कुवैत, इसका आपको क्या लगता है, क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, एक तो वहां जो रह रहे हैं भारतीय उन पर, और जाहिर है कि एक बड़ी रेमिटेंस आती है वहां से, बहुत विदेशी मुद्रा आती है, करीब $5 अरब तो केवल कुवैत से आते हैं भारत को, तो क्या आप इसको किस रूप में लेते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर अच्छी खबर तो नहीं कही जा सकती मुकेश जी, इतने सारे लोगों का नौकरियों से बेदखल होना। दरअसल वो कानून ही लेके आ रहे हैं, ये कोई, ये बात जरूर दर्शकों को बतानी चाहिए कि केवल भारतीयों को लेकर के नहीं है, जो भी विदेशी मूल के लोग वहां पे काम कर रहे हैं उन सभी को लेकर के है। जो खासतौर पर भारत के हमारे जो NRIs जिन्हें हम कहें गल्फ में, उसमें मुकेश जी लगभग 80-20 का स्प्लिट आप एक तरह से मान सकते हैं। 80% इसमें ब्लू कॉलर जॉब वाले हैं और 20% वो हैं जो व्हाइट कॉलर में, जिस मतलब जो बिजनेस कर रहे हैं या टेक्निकल नौकरियों में हैं, उस तरीके के एक अंतर वो है। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा नौकरियां, स्वाभाविक सी बात है, जिसमें ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं उनकी जाएंगी। उसका कारण बहुत साफ है मुकेश जी, कि पूरा गल्फ की इकोनॉमी पेट्रोलियम ओरिएंटेड है और इस समय पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था चौपट हुई है, और खासतौर पर पेट्रोलियम सेक्टर जिस तरह से बुरी तरह प्रभावित हुआ है, उसमें लगातार रिफाइनरीज, ड्रिलिंग, ये सारे काम के ऊपर बुरी तरह असर पड़ा है और आने वाले माना जा रहा है कि 4-5 साल तक अभी कम से कम जो जो ऑयल रिलेटेड इकोनॉमी है उसका तुरंत उठना अभी उतना स्वाभाविक नहीं है। एक्चुअली में अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो कोरोना के पहले भी तेल की जो इकोनॉमी है, तेल की जो अर्थव्यवस्था है, उसके ऑलरेडी बुरे हाल पिछले कुछ सालों में हो रहे थे लगातार, और कोरोना तो रही सही, जिसे कहते हैं लास्ट नेल इन द कॉफिन वाले अंदाज में, रही सही कसर भी पूरी कर दी है। तो जब आपकी देशों की, इन सारे देशों की पूरी अर्थव्यवस्था ही तेल के ऊपर टिकी है और तेल चरमराता है तो सारी ऊपर से नीचे तक एक कैस्केडिंग इफेक्ट होता है उसका, वही यहाँ पर देखने में आ रहा है। उसका कंस्ट्रक्शन के ऊपर असर पड़ रहा है, उसका तमाम एलाइड इंडस्ट्रीज के ऊपर असर पड़ रहा है। तो ऐसे में ये कानून जो कुवैत का है, वो कानून केवल और केवल इसलिए नहीं है कि लोगों को निकाला जाए, बट दरअसल पूरी इकोनॉमी के संकुचित होने का कानून है। तो उसमें केवल ये इस तरीके से न लगे कि हमारी इकोनॉमी कम हो रही है या डूब रही है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा उसको एक लीगली ये भी जामा दिया गया है कि हम बाहर के लोगों को नहीं रख के हम अपने लोगों को बढ़ाएंगे, तो उससे स्वाभाविक की बात से कानून ऐसा आएगा तो बड़ी तादाद में, जैसे भारत ही करीब 7-8 लाख भारतीयों के ऊपर इसी पड़ रहा है, तो बजाय ये कहने की हमारे पास में अब इन लोगों के लिए नौकरियां नहीं है या हमारी अर्थव्यवस्था उस तरीके से नहीं है कि उस उन नौकरियों को वो सपोर्ट कर सकें, ज्यादा बेहतर है कि हम इस तरीके का कानून लेके आ जाए जिसमें विदेशी नौकरियों के ऊपर ही हम
लगाम लगा सके, उनके ऊपर हम एक 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 स्टैंड ले सके। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपने सही कहा कि पहले से ही अर्थव्यवस्था में गिरावट चल रही थी, 2008 का जो आर्थिक संकट शुरू हुआ था, मंदी शुरू हुई थी, उसी समय से ये शुरू हो गया था और इसका असर दिखने लगा था, जो गल्फ कंट्रीज की इकोनॉमीज हैं उन पर असर दिखने लगा था और उसी समय से ये चलने लगा था कि ये जो विदेशी कहना चाहिए श्रमिक हैं या काम करने वाले कामगार हैं उनका क्या करें। दूसरी बात, अंदर से ये भी मांग उठने लगी थी कि जो लोकल लोग हैं उनको थोड़ा ज्यादा रोजगार मिलना चाहिए, खासतौर से अभी ये मांग ज्यादा जोर पकड़ने लगी है। तीसरी बात यह है कि कुवैत के संदर्भ में कि ये ऐसा लगता है कि वो एक बैलेंस बनाना चाहते हैं कि भारतीयों पर निर्भरता उतनी न रहे, भारतीय रहेंगे लेकिन उनकी संख्या घटाकर उसकी भरपाई वो दूसरे देशों के जो कामगार हैं या काम करने वाले हैं या टेक्नीशियन हैं, जिस भी तरह के काम करने वाले लोग हैं उनको ज्यादा एकोमोडेट करना चाहते हैं, तो एक अपनी पॉपुलेशन में भी वो एक तरह का चेंज ला रहे हैं। देखिए, एक यहाँ की 50 साल की ऑयल इकोनॉमी में एक इनके लिए अच्छा बुरा मैं उस तरीके से नहीं कहूंगा, लेकिन जो इस पूरे इधर के मुल्क हैं खाड़ी देश, उनमें काफी सब्सिडाइज्ड इकोनॉमी अपने लोकल जो नागरिक हैं उनके लिए रही है और ऑयल का पैसा बहुत रहा है, लेकिन एक दो या तीन जनरेशन निकल गई है जिसके बाद में यहाँ के शासकों को ये लग रहा है कि अपने नागरिकों को अगर हमने इस लायक ट्रेनिंग दे करके नहीं बनाया तो ऑयल की इकोनॉमी के खत्म होने के बाद में भविष्य बहुत सुरक्षित नहीं रहेगा। इस नाते यहाँ के जो दूरगामी परिणाम जो हो रहे हैं उनके लिए जो दूरदर्शी यहाँ के शासक हैं उन्होंने काफी मेहनत की है। जैसे मैं दुबई की बात करूं या अबुधाबी की बात करूं, यहाँ जो यूएई के जो शासक हैं इन्होंने काफी मेहनत की है अपने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को आगे ले जाने की, अपने यहाँ के जो नई जनरेशन है उनको आगे से आगे पढ़ाने के लिए जितनी स्कॉलरशिप जितनी ज्यादा ताकत लगा सकते हैं उन्होंने विदेशी यूनिवर्सिटीज को यहाँ पर भरमार करके अपने यहाँ के नागरिकों का शिक्षा का स्तर बढ़ाए ताकि वो कम्पीट कर सकें। कि अगर आज मानिए दुबई में डॉक्टरों के लिए नौकरी है तो वो ये चाहते हैं कि अपने यहाँ के लोग उतना पढ़ लिख करके बड़ी तादाद में डॉक्टर बने ताकि हमें विदेशियों को हायर न करना पड़े। ये जो जो इस तरीके के मुल्क हैं दूरदर्शी जहाँ के शासक हैं उन्होंने ये काफी ताकत लगाई है और अब वो उसको अमली जामा भी पहनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमारे यहाँ नौकरियां खुलती हैं तो हमारे यहाँ के टेक्निकली क्वालिफाइड जो लोग हैं वो उसमें क्वालिफाई करें, उसमें आए और न केवल आए बल्कि वो अपने देश की जनता को भी ये कहना चाहते हैं कि भाई अगर आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो हम आपके लिए, हम यानी सरकार आपके लिए इतनी नौकरियां और खोलने के लिए हम तैयार हैं, हम विदेशियों को निकालने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन कम से कम आप अपने आप को इस लायक बनाइए कि हमें इन टेक्निकली क्वालिफाइड लोगों की जरूरत ना पड़े। तो ये लेकिन यशवंत जी, ये जैसे अगर हम कुवैत की आबादी को ले तो 70% बाहर के लोग हैं, केवल 30% कुवैतीज हैं, तो अब ऐसी सिचुएशन में ऐसा तो है नहीं कि 70% की भरपाई वो स्थानीय जो लोग हैं उनके उनसे कर लेगी, उनको तो बाहर से जो कारीगर हैं, कामगार हैं या टेक्निकल नॉलेज वाले या जिस भी तरह की उनको जरूरत है वर्कफोर्स की वो तो उन्हें बाहर से मंगानी ही पड़ेगी। तो ये आप क्या लग रहा है, ये हम इसे एक ट्रांजिशन फेज का माने कि अभी कोरोना संकट की वजह से आर्थिक संकट है, साल डेढ़ साल दो साल तो रहेगा ही, उसके बाद हो सकता है कि फिर से एक दौर आए, फिर से भारतीयों को वापस बुलाया जाए, जाना पड़ेगा उनको। इकोनॉमी लंबे समय तक बैठी हुई तो मुकेश जी नहीं रहेगी, जब अभी साल दो साल में वापस इकोनॉमी बूस्ट होगी तो सारे इतनी तो आबादी ही नहीं है इन मुल्कों की कि अगर उन्हें इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करने हैं, अगर 100% क्वालिफाइड भी लोग हुए तो भी इतनी आबादी नहीं है कि वो यहाँ के सारे काम को उस तरह से चला सकें। लेकिन यह है कि अब उसमें ये फिल्टर लगाना चाहते हैं कि जैसे जैसे इकोनॉमी ठीक हो, जैसे जैसे नए प्रोजेक्ट आए उसी के हिसाब से हम क्वालिफाइड लोगों को रखें। तब तक केवल 20-25% वही एक्सपर्ट्स यहाँ पर रहे जिनका आपका खुद का बिजनेस है जो कि यहाँ की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं दूसरे तरीके से, मतलब बिजनेस के तरीके से, बाकी खर्चों के तरीके से, तो जो जिनके ऊपर इन्हें पैसा नहीं खर्च करना पड़े, जिनको जिनके कारण यहाँ की इकोनॉमी में इनपुट मिले, ऐसे लोगों को ये कंटिन्यू करना चाहते हैं, बाकी लोगों को फेज वाइज अभी फिलहाल कुछ समय के लिए बाहर करना चाहते हैं।
वापस तो खुलेगा ही खुलेगा, लेकिन भारत के लिए ये एक मुकेश जी बहुत बड़ी समस्या भी है। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है, इसे अंग्रेजी में कहते हैं कि सिल्वर लाइनिंग इन द डार्क क्लाउड जिसे कहते हैं, हो सकता है कि अगर अगर भारत में जो राज्य सरकारें भी हैं और केंद्र सरकार भी है, अगर इसको एक ऐसे मौके की तरह देखे कि इतनी बड़ी तादाद में हाइपर स्किल्ड, जिन्हें कहते हैं कि बहुत बढ़िया स्किल्ड वर्कफोर्स विदेश से भारत आ रहा हो, और अगर हम इस समय मेक इन इंडिया वाले में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में, इस बहुत ही अच्छे स्किल्ड फोर्स का हम उपयोग कर सकें, और उनको चूंकि इस समय सब कुछ छोड़ के जाना पड़ रहा है, और कल के दिन भारत वापस आके उन्हें लगे कि हमको अच्छी नौकरी, अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ और हम परिवार के बीच में रहने का सुख, ये भारत में हमें मिल सकता है, ये हम उन्हें उनके अंदर आत्मविश्वास दे सकें, तो ये हमारे लिए मौका भी है। यशवंत जी, तो हमारे सामने तो अभी दूसरे चैलेंजेस हैं। हम तो एक अर्थव्यवस्था के भारी संकट से गुजर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी वैसे ही ढही हुई है, और जो भी वापस लौटे लौट कर आएंगे उनको रोजगार मुहैया कराना और भी बड़ी चुनौती है। बेशक होगा पर है, लेकिन अभी तो सब कुछ ठंडा पड़ा है। मुझे ये बताइए कि जो अब जो काम कर रहे हैं, उनके भारत, मन में क्या है? अब उनको असुरक्षा बोध हो रहा होगा, उनको लग रहा होगा कि ये जिंदगी तो पता नहीं कैसे भंवर में फंस जाएगी, यहां से उखड़ के जाएंगे, वहां कुछ अभी है नहीं, तो एक असुरक्षा बोध फैला हुआ असुरक्षा सारे। जैसे मेरी बात होती है, मैं अक्सर बात भी करता रहता हूं, और खास तौर पे जो जो भी हमारे ब्लू कॉलर वर्कर्स जब भी मुझे जहां दिखते हैं, जिस भी श्रेणी में, मैं अक्सर बात करता हूं। दरअसल भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, सभी के मिले जुले लोग मुझे मिलते हैं, और बड़ी तादाद में पाकिस्तानी भाई भी मिलते हैं, तो बातचीत बोलचाल में हम सब लोगों की कॉमन जुबान हिंदुस्तानी है यहाँ पर। तो हम जब बात करते हैं तो हम देखते हैं उस बात को कि कहीं ना कहीं एक डर, एक थोड़ा निराशा ये भी बैठी है कि वापस जाना पड़ेगा, वापस फिर आने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और दूसरा कि वापस जाके करेंगे क्या, ये एक बहुत बड़ा उनको इसमें संकट दिखता है। तो ये वास्तव में बड़ा संकट है भारत के लिए, क्या बाकी सभी देशों के लिए संकट है, भारत में और भी ज्यादा है। मुझे केवल एक ही चीज लगती है कि मुकेश जी, कभी कभी जब हम मेक इन इंडिया के नारे हम लगाते हैं और हम विदेशी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो कई बार ये कहा जाता है कि भारत में फैक्ट्रियां इसलिए भी नहीं बन पाती हैं कि स्किल्ड लोग नहीं है, और स्किल के ऊपर प्रधानमंत्री और बाकी लोग बहुत लगातार बात करते हैं कि नहीं, हमें अपने जनरेशन को स्किल करने की जरूरत है। ये संकट भी है, लेकिन इस संकट को अगर तो हमारे राज्य सरकारें, हमारे देश के नेता, पॉलिसी मेकर अगर सही में इसका उपयोग कर सकें एक अपॉर्चुनिटी की तरह से, तो हो सकता है कि बड़ी तादाद में उन्हें रेडीमेड एक स्किल्ड मैन पावर मिले, केवल इसको सही नीतियों के साथ में मेक इन इंडिया पे वास्तविक, केवल जुमलों की तरीके से नहीं, केवल नारों की तरह से नहीं, सही मायनों में अगर काम किया जा सके, तो ये भारत के लिए, जबकि हम चीन से सीधे मुकाबला कर रहे हैं, आज हम ये कह रहे हैं कि हमें अपने ऊपर आत्मनिर्भर बनना है, मेक इन इंडिया प्रमोट को उसको प्रमोट करना है, तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, प्रोवाइडेड अगर हमारे यहाँ के पॉलिसी मेकर केवल नारेबाजी और उसमें ना निकल के केवल वास्तविकता में इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की लेकिन ओर। यशवंत जी, इनके लौटने का मतलब है भारी मात्रा में रेमिटेंस भी बंद हो जाना। बिल्कुल, 50 ये अपने अरब डॉलर की का जो संकट रेमिटेंस आता है गल्फ कंट्रीज से, वो बंद हो जाएगा, मतलब है, 500 बिलियन डॉलर की जो हम कहते तो हैं कि हम कैश वो एक रिजर्व। सोर्स है। यह हमारी लेबर फोर्स जो है, जिसका हम इस्तेमाल इंटरनेशनल मार्केट में भी कर सकते हैं, कर रहे हैं, जिसके बल पर हमें एक रिस्पेक्ट भी मिलता है, तो अच्छा हमारा वर्कफोर्स फोर्स है, और रेमिटेंस भी मिलता है। ये समय ऐसा है जिसमें हर तरीके की जो मर्फीज प्रिंसिपल होता है ना, इफ एनीथिंग कैन गो रॉन्ग इट विल गो रॉन्ग, मुझे ऐसा लगता है कि मर्फीज प्रिंसिपल इस समय राष्ट्रों, देशों, समाजों, इंसानों, हम सब के ऊपर हर तरीके से अप्लाई कर रहा है कि जो कुछ भी गलत हो सकता है इस समय लगता है कि वो गलत ही हो रहा है, पता नहीं नियति क्या है, कैसा क्या है, लेकिन हाँ ये भी लगता है कि इस पूरे इसमें से एक अंदर का आशावाद ये भी कहता है कि केवल अपने देश के लिए ही नहीं जी, मैं दरअसल जब आप भारत के बाहर निकलते हैं तो अपने इंडियन सबकॉन्टिनेंट की एक अलग पहचान होती है, ये बहुत जो भी भारत के बाहर रहते हैं वो इस बात को समझ सकते हैं कि हमारी आइडेंटिटी जो होती है वो ब्रांड आइडेंटिटी देसी कहलाते हैं हम लोग, देसी में केवल भारतीय शामिल नहीं होते, वो भारतीय उपमहाद्वीप
जो पूरा है। तो इस पूरे देसी समाज के लिए हम कहें तो एक वो एक अपने तरीके का एक अलग ही क्राइसिस है, देश के अंदर वापस जाके का क्राइसिस है, यहाँ रहने का क्राइसिस है। बड़ी तादाद में लोग हैं जो अभी भी यहाँ लेबर कैंप में अटके हैं, 1.5 लाख से ज्यादा अभी तक मेरे पास में सूचना है जो भारत ऑलरेडी दुबई से अकेले गए हैं 1.5 लाख, और अभी भी बताया जा रहा है करीबन 3.5 लाख लोग और हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि कैसे खुले और जाएं, क्योंकि उनके पास में नौकरी नहीं है। मुकेश जी, ये सारे शहर दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव सिटीज में से काउंट होते हैं। यहाँ पर स्थिति कई जगह पे ये भी बताया जा रहा है, बीच में फोटो आती है कि जो लोग नौकरी से नहीं है और अब मतलब बाहर हैं, उनके पास में तो रहने के लिए छत की भी अब तकलीफ हो रही है। वो इंतजार कर रहे हैं कि किस तरीके से फ्लाइट्स खुलें और हम बस किसी तरह हम भारत अपने मुल्क चले जाएं। सबके पास में, सारे लोग मध्यम वर्गी नहीं है कि उनके पास में 2-3 महीने का बफर हो। अपने हमारे डिप्लोमेटिक मिशंस वहां कुछ कर रहे हैं इन लेबर्स के लिए, कुछ ऐसी खबर है? आपने बात कर रहे हो सरकारों से? बिल्कुल, इसमें दाद देनी पड़ेगी कि जो डिप्लोमेटिक मिशंस हैं वो लगातार पूरी तरह से खुले हुए हैं, और थोड़ा सा इस मामले में मैं मानता हूं कि भारतीय ज्यादा भाग्यशाली हैं। जब मैं बाहर लोगों से बात करता हूं तो वो इस बात को बोलते हैं कि सर आपकी यहाँ के जो एम्बेसी वाले हैं वो ज्यादा बेहतर आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, उन लोगों को उतना सपोर्ट अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल पा रहा है। ये भी कारण हो सकता है कि पिछले 10-12-15 सालों से भारत के सरकारों ने अपने लोगों को इमरजेंसीज में इवैक्यूएशन करने की जो एक हमारे यहाँ प्रणाली है वो ज्यादा, एक होता है ना ऑपरेशन, हमें बार बार करने की आदत पड़ी तो थोड़ा सा वो वार से जो शुरू हुआ था सिलसिला, ठीक है, हाँ, तो करत के जड़मती वो सुझान वाला हिसाब है। तो उस कारण से हमारे रिफ्लेक्सेस जो इमरजेंसी ऑपरेशन के हैं वो बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तो एयरपोर्ट ही बंद है। तो जब तक बड़ी तादाद में फ्लाइट्स नहीं शुरू होंगी तब तक लोगों का निकलना भी यहाँ से थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन इस बात में मैं खुल के अपने यहाँ के जो भारत के जो डिप्लोमेट्स हैं, जो यहाँ के कर्मचारी हैं एम्बेसीज के, वो भी बहुत आउट ऑफ द वे जा करके मदद कर रहे हैं मुकेश जी, और उसमें ऐसी मददें भी शामिल हैं जो कि उनके कार्य का हिस्सा नहीं है। जब मैं ये कहता हूँ तो मैं जानता हूँ ऐसे ऐसे कर्मचारियों को भी जो आते हैं घर से तो 10 लोगों का खाना बांध के लाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बाहर बहुत सारे ऐसे मजदूर वाले वर्ग के भाई लोग भी यहाँ पे हैं जिन्होंने शायद सवेरे से कुछ ना खाया हो, वो और कुछ मदद करें ना करें तो कम से कम उनको एक समय का खाना ही अपने अपने टिफिन में से निकाल के खिला रहे हैं। मैं ऐसे यशवंत जी अंतिम सवाल है कि क्या आपको लगता है कि जो कुवैत कर रहा है वो धीरे धीरे बाकी खाड़ी के दूसरे देश भी करेंगे, ऐसा आपको लग रहा है क्या? जिन जिन खाड़ी देशों की टोटल इकोनॉमी 100% केवल और केवल ऑयल के ऊपर है मुकेश जी, वहां पे ऐसा होने की संभावना है। कान वो ऐसे नहीं ऐसे पकड़ेंगे, कुछ ना कुछ तरीका करेंगे, बिकॉज अभी यहाँ पर काम उस तरीके का है नहीं। इकॉनमी पूरी दुनिया की गिरी है, वैसे ही यहाँ की भी गिरी है। लेकिन जिन जगहों की इकॉनमी थोड़ा सा ऑयल के बियॉन्ड बाकी सेक्टर्स में भी, चाहे टूरिज्म हो, चाहे हॉस्पिटैलिटी हो, चाहे मेडिकल हो या फाइनेंस सेक्टर हो, उन जगहों पे अभी भी मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत वो बचा रहेगा मामला, क्योंकि जो क्वालिफाइड टेक्निकल जो व्हाइट कॉलर इंडियंस के लिए जो काम है मिडिल क्लास इंडियंस के लिए, वो वाले सेक्टर्स में वो उनकी नौकरी शायद कम पैसे में आए लेकिन बचेगी। लेकिन बाकी सब जगहों पे जो केवल ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं उनके लिए अगला साल 2 साल बहुत संकट वाला रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया यशवंत जी, दुबई से ये सारी जानकारी, मध्य पूर्व और जो खाड़ी के देश में जो हलचल मची हुई है भारतीयों को लेकर और जो चिंताएं बढ़ती जा रही हैं उन पर अपनी राय रखने के लिए धन्यवाद आपका। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।